हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें नया अपडेट है कि आप अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। एक ऐसा पोर्टल जहां से कई सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना आईडी बनाना होगा पहले। अगर वीडियो अच्छा थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे शुरुआती वीडियो हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको, ले चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर सर्च करना है, इस पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर पे क्लिक करें, और नहीं तो पहले से रजिस्टर हैं तो लॉगिन पे क्लिक करें। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के एंड कंटिन्यू करें, और इसके बाद अपना इसमें आधार नंबर वेरीफाई सिंक करना होगा। तो चलिए, हमने सब कुछ कर लिया है, अब लॉगिन करके आपको दिखाते हैं अपना। तो यहाँ पे देखिए, लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए इशू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, गेट मोर पे। यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे लॉग आउट हो गया, फिर से हमको लॉग इन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे फिर से लॉग इन कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए गेट मोर पे क्लिक करना है। गेट मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट पार्टनर इन लिस्ट में यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल चूज करना है, सॉरी दूसरा हो गया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल होगा। यहाँ पे देखिए है, इसके बाद जो भी आपको डाउनलोड करना है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट चूज कर लें, अपना यहाँ पे रोल कोड और रोल नंबर डालना है, और आप जब भी पास किए हैं उसका ईयर यहाँ पे डालना है, ऐसे डाल के और यहाँ पे टिक करके यहाँ गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए इशू डॉक्यूमेंट में आपको दिखा दे रहे हैं। मेरा 5 इशू डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। इसमें दोस्तों 2009 से लेके 2017 तक ही अपडेट अभी दिया गया है, इसके पहले और इसके बाद का बाद में दिया जाएगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी कर दें, क्योंकि ये वीडियो अभी तक यूट्यूब पे नहीं दिया गया है कहीं भी।